गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको सो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज विद द पेयर ऑफ ओविडक यूटेरस सर्विक्स एंड वजाइना अलोंग विद द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ द पेल्विक रीजन ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट ओवम एंड फिर सेवरल हारमोन्स कॉल्ड एज द ओवेरियन हारमोन्स सो इधर डायग्राम में हम लोग देखते हैं ये हम लोग को सब जो ओवरी है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है इसमें हम लोग को दिख रहा है ये देखो ये ओवरी दिख रहा है इसमें यूटेरस है यूटेराइन ट्यूब है वजाइना है सर्विक्स है और इधर हम लोग को दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब ये जो टोटल ऑर्गन्स है ये टोटल मिलके बनाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो so, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा और ये जो ओवरी है ओवरी ये ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का और इससे हम लोग को मिलेगा ओवम 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 मिलेगा इससे सो so, आगे बढ़ते हैं इस सो ये भी एक डायग्राम है इसमें देखो आप लोगों को सब दिख रहा है फिर से इसमें आपको दिखेगा ये ओवरी है ये ओवरी है बाद में फिमरे इन्फेंडिब्यूलम एम्फ्यूला सर्विक्स सर्वाइकल कैनल और वजाइना भी है इसमें और ये तो, इस्तमस एम्पूला और इन्फेंडिबुलम ये बना रहे फैलोपियन ट्यूब ये सब दिख रहा है आपको इस डायग्राम में सो so गाइस आगे भी बढ़ते हैं so सो ये दिख रहा है आपको ओवरी इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एबडामन लेंथ ऑफ द ओवरी इज टू टू फोर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ओवरी है टू टू फोर सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू यू बाय लिगामेंट्स और इस लिगामेंट्स को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट ये देखो ये ओवरी है और ये जो कनेक्ट हो रहा है यूटेरस के पेल्विक वॉल के ऊपर उससे जो कनेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे उसको सो आगे बढ़ते गाइस एसेसरी डग द ओवी डग फेलोपियन ट्यूब यूटेरस एंड वजाइना कंसिस्ट ऑफ द एसेसरी डग इस फेलोपियन ट्यूब इज टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इन लेक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज कॉल्ड इन्फेंडिब्युलम एंड इट प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरे विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम सो पीछे डायग्राम में जाते हैं ये डायग्राम में दिख रहा है देखो ये है ओवरी और जो ये फेलोपियन ट्यूब जो बनाता है वो है ये फेलोपियन ट्यूब इसका लेंथ है टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर नॉर्मली ट्वेल्व सेंटीमीटर नॉर्मली होता है और फिर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इन्फेंडिब्यूलम है इन्फेंडिबुलम के नीचे फिमरे वो है फिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये जो फिमरे है ये ओवम के कलेक्शन में काम आते हैं ओवन के कलेक्शन में काम आते हैं ओव्यूलेशन के तुरंत बाद सो so, इधर आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा ये जो एम्प्यूला एम्प्यूला स्तमस एंड इन्फेंडिब्यूलम ये तीनों मिलके एक ही जंक्शन बना रहे हैं और उसको बोल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब सो ये तीनों मिलके एक फेलोपियन ट्यूब बना रहे हैं जिसका लेंथ हम लोग को पता है टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर है सो so, आगे बढ़ते लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक कॉल्ड एज एम्प्यूला एंड द लास्ट नैरो पार्ट इज इस्तोमस अभी हम लोग ने पढ़ा इन्फेंडिबुल्प्यूला एंड इस्तोमस टुगेदर फॉर्म अ फेलोपियन ट्यूब सो आगे बढ़ते गाइस यूटेरस यूटेरस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम्ब द शेप ऑफ द यूटेरस इज दैट ऑफ इन्वर्टेड पियर यूटेरस ओपन इन टू द वेजाइना इन टू द नैरोस द कैटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड ए सर्वाइकल कैनल विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल सो आइए यूटेरस देखते ये जो इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे यूटेरस यूटेरस बोलेंगे इसको यूटेरस बोलेंगे और इसके नीचे तुरंत नीचे सर्विक्स है और इसके कैनल ये सर्विक्स का जो कैनल है उनको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल कैनल और ये सर्वाइकल कैनल कंबाइनिंग विथ वजाइना ये बनाता है बर्थ कैनल बर्थ कैनल सो so, आगे बढ़ते वॉल्स ऑफ द यूटेरस वॉल्स ऑफ द यूटेरस कंबाइंस ऑफ द थ्री लेयर एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस एक्सटर्नल लेयर है वो थीन होती है और मेम्ब्रेनस होती है उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम और इंटरनल लेयर इंटरनल जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो ग्लैंडुलर लेयर है और उसको बोलेंगे एंडोमेट्रीम सो इधर देखते हैं वॉल ऑफ दी सो जो सबसे आउटर लेयर है उसको बोला गया पेरीमेट्रियम ये पेरीमेट्रियम सबसे थीनेस्ट लेयर है थीन लेयर है ये सो so, और मायोमेट्रियम है ये थिक लेयर है ये थिक लेयर है और ये जो एंडोमेट्रियम है मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम ये है ग्लैंडुलर ये ग्लैंडुलर है ये ग्लैंडुलर है सो आगे बढ़ते हैं एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सो जो ये एंडोमेट्रियम है इनर मोस्ट लेयर है सो जो ये एंडोमेट्रियम है जो इनर मोस्ट लेयर है वो साइक्लिकल चेंजेस को जाते हैं साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में और ये जो मायोमेट्रियम दिया हुआ है मायोमेट्रियम ये जो थिकेस्ट लेयर है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि एक्सपेल एक्सपेल हो सके बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन पार्चुरेशन मतलब बर्थ ऑफ द बेबी और उस टाइम पे ये मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी जल्दी बाहर जा सके तो ये आगे पढ़ लेंगे एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेन्स्ट्रल साइकिल मायोमेट्रियम एक्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी सो आगे बढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेनली कंसिस्ट ऑफ मॉन्सफ्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमन और क्लिटोरिस ये पाँच स्ट्रक्चर है मेल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में सो so, इसको एक एक करके पूरा देख लेंगे सो so, ये देखो इधर है इस मॉम्स प्यूबिस और उसके बाद इधर है लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमेन और ये इधर है क्लाइटोरिस ये देखो इधर है क्लाइटोरिस सो so, इनको भी इनका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं चलो आगे मॉन्स प्यूबिस इज अ क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन और फैट स्किन और द प्यूबिक हेयर ये मॉन्स प्यूबिस जो है क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू है वो स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है तो आगे लेबिया मेनो, मेजोरा आर द फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग सो ये जो लेबिया मेजोरा है वो है फ्लेशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू है जो मॉन्स प्यूबिस से लेके वेजाइनल ओपनिंग तक है वेजाइनल ओपनिंग तक सराउंडेड है सो so, आगे लेबीना माइनोरा आर देड फोल्ड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा लेबिया मेजोरा के तुरंत नीचे हम लोग को मिलेगा लेबिया माइनोरा ये हम लोग को डायग्राम में देखना है द ओपनिंग ऑफ दाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय द मेमरेन कॉल्ड द हाईमन ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज uh, कवर्ड बाई मेमरेन पार्शियल मेमरेन कॉल एज हाइमन और ऐसे माना जाता है कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये, ये मेमरेन ब्रेक हो जाता है सो के, सो so, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि इस मेम्बरन के ब्रेक होने के बाद आपका वर्जिनिटी चला गया है वो ऐसे भी होता है कि अगर आप लंबी रेसेस में दौड़ रहे हो या फिर कहीं गिर जाते हो अचानक से या फिर आपको हॉर्स राइडिंग करना है या फिर आप हॉर्स राइडर हो तो इसकी वजह से भी आपका ये हाईमैन टूट सकता है ये कोई बड़ा थिक लेयर नहीं है बहुत थिनेस्ट पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन है सो so, इसका कोई कोई भी रीजन हो सकता है तो हाईमैन का ब्रेक होना कोई भी ऐसा संकेत नहीं देता कि आप वर्जिन नहीं हो सो so, आगे देखते हैं क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस इज अ थिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज ऑन द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अब द यूरेल ओपनिंग सो हम लोग इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया ये रहा फिर से एक बार डायग्राम देख लो इसमें मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है क्लाइटोरिस दिख रहा है लेबिया मेजोरा दिख रहा है लेबिया माइनोरा दिख रहा है और फिर दिख रहा है हाईमेन सो so, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट Mammary glands are present in both the sexes male and female but in male it is rudimentary gland the functional mammary gland is the main characteristics of the human female mammary gland is the pair organ commonly known as breast it consists of glandular tissue as and variable amount of fat glandular tissue of each lobe is divided into 15 to 20 mammary lobes containing the cluster of alveoli सो so, ये मेमोरी ग्लैंडस है ये रहा ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये ये जो स्ट्रक्चर है ये है alvoli, ये है एल्वोलाय और ये बोल सकते हैं ग्लैंडुलर लोब्यूल्स ग्लैंडुलर लोब्यूल्स इसको ग्लैंडुलर लोबुल्स बोल सकते हो ग्लैंडुलर लोब्यूल्स है ये और ये जो है नीचे क्यूजन क्यूजन ये है फैटी टिशू यह फैटी टिश्यू है जो क्यूजन फॉर्म कर रहा है सॉरी गाइस डायग्राम चेंज हो गया था सो so, ये जो है इसका अटैचमेंट डायरेक्ट रिप्स के साथ होता है रिप्स के साथ होता है बाकी कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है सो क्लस्टर ऑफ एल्वोलाए टू टुगेदर फॉर्म्स द मेमोरी ट्यूब्यूल दिस ट्यूब्यूल्स टू फर्दर जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ मेमोरी डक्ट दिस मेमोरी डक्ट आर कनेक्टेड टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला विच इज विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज शक्ट आउट मेमोरी ग्लैंड